व्हाट एन आयरनी, जिस प्रीता ने मुझे पागल कर रखा था, जिस प्रीता को मैं बार बार मारना चाहती थी, आज उसी प्रीता ने मुझे मरने से बचाया। पर क्या फायदा, अब चाहे मेरी जिंदगी वर्ल्ड का बेस्ट गिफ्ट ही क्यों ना हो, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। निधि, क्या बात हो गई बेटा, क्या हुआ तुम्हें, तू ठीक तो है, क्या हुआ बताओ मुझे, क्या बात हो गई? निधि मेरी बात सुन, मैं तुझसे प्यार करती, बहुत प्यार करती हूँ, और मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगी, और तुम्हारी जगह इस घर में कोई नहीं ले सकता, मेरे जीते दी तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता बेटा, प्लीज रोना बंद करो। प्रीता इस घर में नहीं रह सकती। नहीं निधि, प्रीता कहीं नहीं जाएगी, प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। मॉम, काश मैं आपका ये प्यार पहले समझ पाती, कितनी अच्छी है आप दिल की, बिल्कुल माँ जैसी, आज लग रहा है जैसे मेरी माँ ने मुझे हक किया, बस रियलाइज करने में बहुत लेट हो गया, रियलाइज हो भी रहा है तो कब, जब इस घर से, घर से तो क्या, इस दुनिया से मैं जाने वाली हूँ, बट थैंक्स अ लॉट मॉम, आपने मुझे दिल से एक्सेप्ट किया, सच में आप बहुत अच्छी हैं। बस आपकी मां, मैंने आपको बहुत दिल दुखा है ना, नहीं मुझे माफ कर देना। नहीं बेटा, तू कैसी बातें कर रही है, तूने मेरा दिल कभी नहीं दुखाया। मुझे पता है, पता है मुझे। नहीं नहीं, सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर। सॉरी फॉर व्हाट, तूने कुछ नहीं किया है बेटा। मैंने बहुत हर्ट किया है आपको, आप सबको बहुत अच्छी, आप बहुत अच्छी, आप मुझे माफ कर देना प्लीज प्लीज। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है, मैंने तुझे माफ कर दिया, ठीक है, कुछ नहीं कुछ नहीं, बस चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, बस नहीं बस बस शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना तेरे साथ। लेट हो रही हूँ, अब चलते। कहाँ के लिए? मॉम मॉम, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो, व्हाट्स रॉन्ग? सॉरी सॉरी, यू नो व्हाट, यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू मी। मॉम आप काम डाउन प्लीज, टेल मी क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों रो रही हो, क्या हुआ? मैं बहुत प्यार करती हूँ तुझसे, बहुत ज्यादा, और तू ना एक बात हमेशा याद रखना, कितनी मॉम चाहे कहीं भी हो, पर हमेशा हमेशा तेरे लिए प्रे करेंगे कि तू खुश रहे, तू मेरा है, मेरा बेटा, एक तू ही तो जिसने मुझे हमेशा अनकंडीशनली प्यार किया। मॉम प्लीज स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करिए, आप मुझे बताइए कि हुआ क्या है, आप रो क्यों रहे हो, व्हाट्स गोइंग ऑन? कुछ बात है, कहीं निधि है, जानबूझ के तो नहीं कर रही थी, आई मीन इतनी सी बात किसको समझ नहीं आएगी, कोई ऐसा कैसे कर सकता है ये, मुझे उसके पीछे जाना चाहिए। निधि निधि
ये तुम्हारे लिए। क्या ये? कल जो तुम इन कॉन्फ्रेंस में सूट पहनने वाले हो उसके साथ ये टाई बहुत अच्छे से मैच करेगी। तुम बहुत हैंडसम लगोगे। कल तुम्हें ये पहन के जाना। ओके? नीति, सबकी क्या जरूरत है? एक हाँ बोलिए मिस्टर मेहता। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है मैं आता हूँ। नीति एक मिनट पकड़ना इसको। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ओके। इतना बिजी रहता है, कोई बात नहीं, ये टाई मैं तुम्हें कल दे दूंगी। कोई बात नहीं, तुम्हारी इस टाई से मौत तो मिल सकती है ना। दिया ना। तुम्हारे साथ जी तो नहीं सकती पर मर तो सकती हो ना करण। दरवाजा बंद भी कर लिया। निधि दरवाजा खोलो, जाओ यहां से। लीव मी अलोन। नहीं मैं नहीं जाऊंगी जब तक तुम दरवाजा नहीं खोलोगी। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। देखो अपने काम से मतलब रखो, जाओ यहां से। नहीं निधि, तुम वही करने की कोशिश कर रही हो ना जो अभी किचन में कर रही थी। देखो मुझे पता चल गया है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो निधि। जिसको फिक्र होनी चाहिए ना, जिसको फिक्र नहीं है तो तुम ना शो ऑफ मत करो। जाओ यहाँ से। I said leave me alone। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी जब तक तुम दरवाजा नहीं खोलोगी। मैं नहीं जाऊंगी। खोलो खोलो। मेरे कहने से दरवाजा नहीं खोलेगी, मुझे सारी फैमिली को बुलाना चाहिए। करण, राखी आंटी और करीना जी, पानी दादी। क्या बात हो गई? क्यों चिल्ला रही हो? क्या बात है प्रीता, सब ठीक तो है? नहीं नहीं कुछ भी ठीक नहीं है, आप जल्दी चलिए। क्या हुआ? जो हुआ आप सोच भी नहीं सकते। वो निधि, निधि ने अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया है। खोल भी नहीं रही है। मैं कितना खटका। पुत्र कपड़े चेंज कर रही होगी। नहीं नहीं वो बात नहीं है। अरे वो क्या क्या कर रही है वो? जो भी कहना है ना साफ साफ कहो। मुझे लगता है कि वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इससे पहले किचन में भी उसने वही कोशिश की और मैं वहाँ टाइम पर पहुँच गई। लेकिन जब तक मैं समझ पाती कि हो क्या रहा है, वो अपने कमरे में भाग गई और मैं उसके पीछे पीछे गई तो उसने कमरा बंद कर लिया और अंदर से बंद कर लिया। मैंने कितना खटका, खोल भी नहीं रही है। मुझे लग रहा है वो अंदर कुछ गलत ही कर रही है। आप चलिए प्लीज। चल निधि। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो आप सब? पिता पिता क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं सब लोग? जल्दी चलिए, वो निधि निधि अपने कमरे में बंद हो गई है, सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। व्हाट? हाँ हाँ चलिए। ये जो तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, ये धोखा है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते।
फिर भी अगर तुमने ये किया तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मॉम, मॉम, आप मेरी आवाज सुन रहे हो ना? प्लीज ओपन द डोर मॉम। शोरे जाओ यहाँ से। मॉम आप ये क्या बोल रही हो? प्लीज प्लीज लिसन टू मी। इस वक्त आप सिर्फ दरवाजा खोल दो मॉम, हम बैठ के बात करते हैं। राइट नाउ जस्ट ओपन द डोर। नहीं शोरे, प्लीज जाओ। आई लव यू। याद रखना तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत 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 प्यार करती है। माफ कर दे शौर्य। मॉम नहीं, मैं आपको माफ नहीं करूंगा। मॉम आप ये क्या बोल रही हो? किस चीज की माफी मांग रही हो? मुझे 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 सब पता है आप क्या करने की कोशिश कर रही हो। आप प्लीज डोर खोलो ना, ये डोर खोलो मॉम। आई लव यू शौर्य, मुझे माफ कर देना। मॉम नहीं, मॉम आप क्या कर रहे हो? प्लीज प्लीज ओपन द डोर, ओपन द डोर मॉम, ओपन द डोर। गॉड डैम इट। निधि, निधि सब परेशान हो रहे हैं। मॉम प्लीज ओपन द डोर। निधि प्लीज दरवाजा खोलो। निधि, निधि तू क्या कर रही है बेटा? निधि खोल दरवाजा। निधि दरवाजा खोलो। निधि खोल दरवाजा। निधि, निधि प्लीज दरवाजा खोलो। देखो अब तो शौर्य कह रहा है, तुम्हारा बेटा तुम्हें बुला रहा है, तुम कैसे इग्नोर कर सकती हो? सब लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं निधि, प्लीज कोई गलत कदम मत उठाना। सब लोगों को तुम्हारी कितनी चिंता है। प्लीज बाहर आ जाओ, सब तुम्हें बुला रहे हैं। जिंदगी से बड़ी कोई बात नहीं होती है निधि। प्लीज अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हारी फैमिली के साथ मिलकर सॉल्व कर लो ना। ये कोई तरीका नहीं होता है निधि। दरवाजा खोलो। काम करती हूँ, रीता जी को ही कॉल करते हैं। रीता जी प्लीज कॉल उठाइए, आपकी यहाँ पर बहुत जरूरत है। प्लीज हम आज सुन भी रहे हो कि नहीं? एक मिनट, एक मिनट, अब तक निधि ने दरवाजा नहीं खोला। नहीं प्लीज निधि दरवाजा खोलो। सुनो ना निधि, दरवाजा खोलो। रीता जी प्लीज फोन उठाइए, बहुत अर्जेंट है। आपसे राजवीर के बारे में बात करनी है, वो ठीक नहीं है। नेटवर्क इशू है, पर पलकी ने कहा कि राजवीर ठीक नहीं। यहाँ बाहर जाकर पलकी से बात करती हूँ। दरवाजा तोड़ दो, दरवाजा तोड़। हेलो पलकी, क्या हुआ? राजवीर ठीक तो है? रीता जी राजवीर ठीक नहीं है, वो बहुत ही उदास था, रो रहा था, काफी टूटा हुआ लग रहा है। क्या? एक्चुअली मैंने राजवीर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कह रहा था मुझे कि मुझसे दूर रहो, मुझसे बात मत करो। I'm sorry, मैं इस तरह बार बार आपको कॉल करके परेशान नहीं करना चाहती थी। आई नो यू आर बिजी, बट मैं और क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने आपको कॉल कर दिया। नहीं नहीं पलकी, तुमने बिल्कुल ठीक किया जो मुझे फोन करके बता दिया। ठीक है, मैं फटाफट राजवीर से बात कर लेती हूँ। हाँ ओके। अरे अब मेरा फोन नहीं उठा रहा है। दे राजवीर फोन उठाना। दीदी पुत्र दरवाजा खोल। Thank you.
फांसी का फंदा अपने गले में लगा लिया मॉम। अरे कुछ करो जल्दी। ओह माय गॉड, सूल को किक कर दिया उसने शौर्या। ओम, ये क्या किया आपने? संभल के आराम से। निधि 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 इनकी पल्स फेंट हो रही है। मैं अभी हॉस्पिटल में फोन करता हूँ। करण, हॉस्पिटल में फोन करके क्या होगा? कब आएगा डॉक्टर? इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। माँ, वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक। मुझे पता है तू ठीक नहीं है, अब बताएगा क्या हुआ है? नहीं माँ, क्या होगा, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। आप बताइए आप कैसे हैं? देख, तू मुझसे झूठ मत बोल और ना ही बातें छिपा। मेरी पलकी से बात हो गई है और मुझे सब पता है। मुझे पता है कि तू ठीक नहीं फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है और तेरी हालत ठीक नहीं है। प्लीज मुझे बताना क्या हुआ है, ऐसा क्यों कर रहा है तू, क्या बात हो गई है? आपको पलकी का कॉल आया था? अब तू मुझसे सवाल करेगा? मैं तुझसे 100 सवाल कर चुकी, तूने एक का भी जवाब नहीं दिया। तू पहले जवाब दे। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ मैं आपसे कह रहा हूँ, वो बस ऑफिस का थोड़ा सा स्ट्रेस था। वो आपको तो पता ही है ना, जब ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा होता है तो मैं थोड़ा स्ट्रेस कर जाता हूँ, तो बस उसी वजह से थोड़ा सा परेशान था और कोइंसिडेंटली पलकी ने उसी वक्त मुझे देख लिया। और पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने क्या सोचा, उठा के आपको कॉल कर दिया। लेकिन माँ मैं ठीक हूँ। तो यही बात है ना, कोई और बात तो नहीं है ना? अच्छा सुन, मैं कल सुबह घर आ रही हूँ। आप घर आ रही है कल? थैंक यू माँ, थैंक यू। आप घर आ रहे हो? मैं आपका इंतजार करूँगा। हाँ, और आपको पता है ये घर आपके बिना घर लगता ही नहीं है माँ। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए, लेकिन इस वजह से नहीं क्योंकि मैं अकेला फील कर रहा हूँ, इस वजह से नहीं क्योंकि मैं अकेले मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता माँ कि आप वापस मेरी वजह से आए, मेरी फिक्र करके आए। आप सुन रही है ना? अच्छा ठीक है ठीक है, चल अब तू सो जा। हाँ, बाद में कॉल करती हूँ। पलकी ने कॉल, शौर्य जल्दी आओ, जल्दी 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 करो। क्या हुआ? पीछे 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 जल्दी। निधि, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शौर्य तुम भी पीछे बैठो। Shaurya, come on, fast! Mom, कुछ नहीं होगा मॉम, don't worry. आ रही हूँ। Wait. क्या किया तुमने? राज। क्या किया तुमने? क्या मैंने क्या किया? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया? मैं बताता हूँ। मेरे पर्सनल मैटर से थोड़ा दूर रहा करो पलकी। पर्सनल मैटर? क्या है तुम्हारा पर्सनल मैटर? अब इतना इनोसेंट मत बनो, तुम्हें नहीं पता क्या मेरा पर्सनल मैटर है? नहीं राजवीर, मुझे नहीं पता, अब बताओगे? क्यों माँ को कॉल किया तुमने? क्यों उन्हें परेशान कर रही हो? क्यों टेंशन दे रही हो? क्यों उन्हें बताया कि मैं उनके बिना रह नहीं पा रहा हूँ? क्यों मेरे कंडीशन के बारे में बताया? क्यों उनसे कहा कि वापस आ जाए? क्यों? क्यों ना करूँ? और मैं तुम्हारी माँ को परेशान कर रही हूँ? तुम ना चिल्लाओ मत, वरना चिल्लाना मुझे भी आता है राजवीर। Don't worry, mom.
आपको कुछ भी नहीं होगा मॉम, आंखें खुली मॉम, आंखें खुली। शौर्य तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा निधि को, इसको होश में लाने की कोशिश करो। जी डैड। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी परेशानी की क्या बात हो गई, ऐसा क्या हो गया कि निधि ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, ऐसा क्या हुआ होगा, बड़ी अजीब बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा।